नमस्कार, मैं हूँ भावना सोमाया। फिल्म क्योंकि रजनीकांत की है तो कुछ भी रेगुलर नहीं हो सकता। रजनीकांत की फिल्म में कोई कहानी के लिए नहीं आया, जो उनके फैंस है वो फिल्म देखने आते हैं रजनीकांत को देखने के लिए। मगर इस बार रजनीकांत के राइटर डायरेक्टर ने कहानी पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। ये कहानी है एक ऐसे पक्षी लवर की, अ बर्ड लवर की, जो पक्षियों को बचाता है और उनको लगता है कि ये बड़े बड़े जो मोबाइल टावर्स बन रहे हैं उसकी वजह से पूरा नेचर एनवायरनमेंट जो है वो तबाह हो रहा है। मैं ऐसा मानती हूँ कि फिल्म का प्लस, फिल्म का मैसेज कि लव बर्ड्स एंड सेव द एनवायरनमेंट। इसके अलावा फिल्म के वीएफएक्स इफेक्ट्स आउटस्टैंडिंग है, फिल्म के विजुअल्स स्टनिंग है, फिल्म की सिनेमाटोग्राफी आउट ऑफ ऑर्डिनरी है। फिल्म का माइनस मैं कहूंगी कि इतना ज्यादा वीएफएक्स, इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है कि एक हद के बाद, पर्टिकुलरली आफ्टर द इंटरवल, हमें लगता है कि अभी जो तुमको बताना है बताते जाओ, मैं बैठी हूँ और देखती रहूंगी जब तक ये फिल्म कम्प्लीट नहीं होता। तो टू इन अ वे यू गेट डिस्कनेक्टेड। परफॉर्मेंस जैसा कुछ बात करने लायक नहीं है क्योंकि रजनीकांत तो रजनीकांत होता है, मगर अक्षय कुमार ने फर्स्ट हाफ में ही प्लेज एन एजिंग मैन डन वेरी वेल एंड सेकेंड हाफ में ही प्लेज एन ईविल बर्ड अगेन वेरी इफेक्टिव एज अ विलन। मैं अम्मा 2.0 को बिग स्टार एंटरटेनमेंट रेटिंग्स देती हूँ। 3.0 यानी वाणकम टू छोटू फ्रॉम अम्मा।